नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, दोपहर का समय है और जैसा कि आप सभी को अभी तक पता लग ही गया होगा कि जो रुचि है, अनुज भैया हैं, वो आए हुए हैं और आज उनका जाना था डॉक्टर के यहाँ पे। तो आशु के साथ वो लोग गए हुए हैं डॉक्टर के यहाँ पे, तो इसीलिए सारों का खाना मैं बना रही थी इधर ही। सारों क्या कि जिज्जा जी तो है नहीं, बाकी सब हम ही हैं, अनुज भैया, रुचि है और आशु, कन्हैया, मैं और बच्चे सारे के सारे। तो सबका खाना मैं बना रही थी यहीं पर ही, और खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल और आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ गोभी में तड़का। मसालों का इस्तेमाल बहुत कम कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी गर्मी की वजह से जो है मसाले तेज़ से हो जाते हैं। तो प्याज जो है वो मैंने भून दी है, लहसुन इसलिए नहीं डाला क्योंकि अनुज भैया जो है वो लहसुन नहीं खाते। तो प्याज भून गया है, उसमें मैंने डाल दिया है हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर और गोभी, आलू डाल के ऊपर से फिर मैं डाल दूँगी नमक, मिक्स करके रख दूँगी इसको। उधर चावलों का पानी पक गया था तो चावल भी मैंने डाल दिया है उसमें, थोड़ी सी हल्दी डाल के। वाइट चावल मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरा अपना नियम है कुछ चावल वाइट ना खाने का, तो इसलिए मैं वाइट चावल नहीं खाती। तो सब्जी इधर रख दिया मैंने ढक के, दाल भी उबल गई है हमारी और चावल भी जो है वो उबल हो गए हैं, अच्छी तरह पक गए हैं। तो चावलों को भी मैं निचोड़ दूंगी और बस, मतलब ये होता है कि अगर जैसे पता होता है ना कि कोई आ रहा है या आने वाला है, पहले ही पता लग जाता है तो हम पहले ही तैयारी कर लेते हैं, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता तो तब जाके थोड़ी सी टेंशन सी हो जाती है। वैसे तो काम हो जाता है लेकिन जो है मतलब थोड़ी हड़बड़ाहट सी हो जाती है। लेकिन अभी ये था कि वो गए हुए हैं तो मैं आराम से बना सकती थी। तो देखिए, अब मैं लगा लूँगी दाल में तड़का और यहाँ पे मैंने धनिया, जीरा और जो मेथी दाना है वो डाल दिया है। साथ में डाल दूँगी प्याज और प्याज भुनने के बाद मैं इसमें डाल लूँगी टमाटर। आज टमाटर मैं अलग से डाल लूँगी। तो देखिए, इधर मैं दोनों कर रही हूँ काम, छोंक भी रही हूँ सब्जी दाल और इधर सब्जी को भी मैं चला रही हूँ बीच बीच में, बिना पानी डाले ही सब्जी बनाते हैं। तो देखिए, इधर दाल का छोंक हो गया है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी डाल दिया, उसके बाद टमाटर और उसके बाद नमक डाल दिया है। जब ये सारे अच्छे तरीके से भुन जाएंगे तो इसमें फिर मैं डाल दूंगी, क्या बोलते हैं उसको, टमाटर। सारे टमाटर डाल दिए मैंने, मुझे याद नहीं रहा, डाल दिया। इधर गोभी की सब्जी भी बन गई है। तो देखिए, टमाटर को ये छोंक जो है मतलब हमारा तैयार हो गया है। और इसके बाद अभी मुझे इसमें लगाना है दूसरा तड़का, जो एक इसका स्मोकी सा फ्लेवर फ्लेवर होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है कटोरी में, थोड़ा सा इसमें डाल दिया है हींग, और साथ में जो देगी मिर्च होती है ना, ये तिक्खी नहीं होती बिल्कुल भी, लेकिन इनका स्मोकी जो फ्लेवर होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इसका तड़का बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज करना हो तो आप इस तरीके से तड़का लगा सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो देखिए, हमारी जो दाल का तड़का है वो हो गया है तैयार, मतलब दाल हो गई है तैयार हमारी। और अब मैं इसमें हरा धनिया वगैरह डाल दूंगी दाल में भी, और क्या बोलते हैं उसको, आलू गोभी की सब्जी में भी। तो गोभियाँ जो है वैसे तो इतनी अच्छी नहीं लगती अभी, लेकिन ये पहाड़ी गोभी बोल रहे थे ये कि पहाड़ी गोभी है, तो टेस्ट इसका थोड़ा सा ठीक था, नहीं तो इस टाइम पर गोभी की सब्जी अच्छी नहीं लगती। गोभी जो होती है उनमें से स्मेल आती है और साथ में कीड़े भी आते हैं, लेकिन जो ये वाली गोभी है ये ऐसी नहीं है। तो जी, मेरी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, साथ के साथ ही मैं रोटियां बना दूंगी, नहीं तो फिर बाद में क्या हो कि भागना पड़ता है इधर से उधर, उधर से इधर। तो इसीलिए मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं सारा खाना तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं देती हूँ जब सब आ जाते हैं। तो देखिए, बस यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लूँगी, और रोटी बनाने के बाद मतलब जो फालतू बर्तन रह जाते हैं ना, जैसे खाना बनाने में जो यूज होते हैं, उनको मैं साथ के साथ धो के रख दूँगी और किचन को कर दूँगी साफ। उसके बाद बस खाना खाना रह जाएगा और बर्तन रह जाएंगे खाने के। तो जी, यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ खाना क्योंकि उनको जो है डॉक्टर के यहाँ पे लग गया था टाइम। तो मैं कहा चलिए जो है वो खा लेंगे, थोड़े थोड़े से बर्तन होते रहेंगे वो मैं साफ़ कर दूंगी। उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने पीहू, रूही और इनको, बच्चों को दिया खाना। तो जब ये खाना खा रहे थे उसके बाद ही फिर जो है
गुड्डू इशू आ गई, मतलब वो लेट आती हैं, थोड़ा सा 3 ही बज जाते हैं उनको आते आते, तो इनके खाना खाते खाते ये आ गए बच्चे। फिर मैंने ये सोचा चलो इनको खाना दे देती हूँ जब तक ये आ रहे हैं, तो इनको भी खाना दे दिया, कन्हैया को भी, गुड्डू इशू को भी, तो ये खाना खाने बैठे। इसके बाद ही साथ के साथ जो है फिर आशु वर आ गई वहाँ से, आशु गई थी, रुचि गई थी और अनुज भैया गए थे, आरू गई थी, तो ये आ गए थे वहाँ से। तो बस इसी तरीके से मैं कह चलिए अब करती हूँ, लेकिन बस वही है कि ये आ गए। फिर तो देखिए यहाँ पे ये लोग आ गए हैं और गर्मी बहुत हो रखी है बाहर की साइड, तो यहाँ पे मैं पहले सबको दे दूँगी पानी और उसके बाद जो है सबको फिर मैं दे दूँगी खाना। तो यहाँ पे अनुज भैया और वैसे तो ये है कि चलिए घूमने भी आए थे, तो थोड़ा सा इनको हेल्थ प्रॉब्लम भी थी, तो यहाँ पे इन दिखाने के लिए भी आए थे कि चलिए जब जा ही रहे हैं तो दिखा भी लेंगे। तो भगवान के उससे सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ इन्होंने अपने जो रूटीन चेकअप होते हैं वो करवाए हैं, तो ज़्यादा वैसे तो कोई नहीं आया, सब कुछ ठीक ठाक है। थोड़ा बहुत तो डॉक्टर के जाएं और डॉक्टर कुछ मरज ना बताए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इनको थोड़ी सी खांसी की प्रॉब्लम सी थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, थोड़ी सी दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो देखिए बस ये लोग खाना खाने लगे हैं और इधर मैं भी बैठ गई हूँ थोड़ी देर, तो खाना वगैरह खा के थोड़ी देर के लिए फिर हम बैठे हैं, ये फिर उधर चले गए, आशू और रुचि चले गए थे उधर क्योंकि बच्चे चले गए थे गुड्डू इशू। फिर मैंने भी थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद जो है बस फिर मैंने रेस्ट करके उठ के फिर बर्तन मांजे, बर्तन बहुत सारे हो गए थे क्योंकि खाना पीना हो जाता है तो बहुत सारे हो जाते हैं, और उसके बाद अपना जो छोटे मोटे से काम थे वो करे। और आज मुझे जाना है मार्केट क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है और कन्फ्यूजन इतना है कि पता नहीं लग रहा कि जन्माष्टमी कौन से दिन की है, 18 की या 19 की। तो खैर चलिए देखते हैं। किचन का काम निपटा लिया मैंने सारा का सारा और साफ वगैरह तो कर ही दिया था पहले ही, तो अभी जो है शाम के क्या टाइम हो गया, 6 बज गए। असल में मैं बीच में लेट गई थी, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने क्योंकि मुझे जाना मार्केट कान्हा जी का सामान लेने, जन्माष्टमी है और कुछ भी तैयारी नहीं है, कहाँ से शुरू करें क्या करें कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं जाके पता लगेगा क्या लाना क्या बनाना क्या खाना। तो अभी मैं पहले नहाने जा रही, उसके बाद इतना ये दूध ले आएंगे, दूध नहीं है तो फिर मैं चाय बनाऊँगी। तो जी चलिए बस फिर चाय पर मिलते हैं आपको। तो जी मैं आ गई हूँ मार्केट में और यहाँ पे मैं ख़रीद रही हूँ और सामान इतना सुंदर सुंदर आता है ना कि मन करता है कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन कई बार अपने पॉकेट को भी देखना पड़ता है। अभी अभी एसी लिया है और भी कई चीज़ें हो जाती हैं, रूटीन के खर्चे हो जाते हैं। तो ये बेड मुझे बड़ा सुंदर लगा लेकिन ये बिक चुका था तो मैंने नहीं लिया फिर, तो देखिए बस यहाँ पे मैं ले लूँगी। और उसके बाद जो मेरी दोनों जेठानियाँ हैं यानी कि आशु और रुचि, वो मेरी बहनें भी हैं, दोनों मेरी जेठानी भी हैं, उनको मैं जाके दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। वो दोनों लगी हुई थी तैयारी में, वो भी जन्माष्टमी की तैयारी में लगी हुई थी, वही है कन्फ्यूजन में पता नहीं लग रहा कि कौन से दिन की, तो थोड़ी थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे जो लगा स्टार्टिंग में मैंने वहीं से ही शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ पे बस मैं देख रही हूँ सारा सामान कर दो भैया जी टोटल। झाड़ फूक वाले लग रहे भैया, मर डाल मत देना उसमें। झाड़ फूक करने के लिए जुगनू भैया से संपर्क करें। तो यहाँ पे ये लेके आई मैं दोनों कान्हा जी की ड्रेस, ये मोर से की, और बीमारी ऐसी होगी कलर मैं भी नहीं हो रहा कि बस एक ही कलर दोनों के, इतना दिमाग मेरा खराब हो रहा था काम करते हुए। सेम तो लाई नहीं, ये है देखो इसी तरीके की जो है, ये है इनकी,
लड्डू गोपाल जी की। इसकी मुझे बड़ी नहीं मिली, पर मुझे ये बड़ा पसंद आया, लेकिन इसका मुझे बड़ा साइज नहीं मिला, तो ये थोड़े से सेम सेम से कलर है। तो जी कलर तो सेम ही होगी, इसका तो डिजाइन थोड़ा सा सेम सा ही है, क्योंकि ये छोटे में है, ये थोड़ा बड़ा है। ध्यान दो जब भी पता। हाँ डिजाइनिंग का, पर सुंदर लग रही ना। इसके अलावा जी ये है इनकी पगड़ी, इस वाले की ली, ये वाली ना मैंने पहले दूसरी ड्रेस ली थी इसी कलर में, वो बस 750 रुपए की ड्रेस। भैया ये तो ज्यादा महंगी हो जाएगी, तो फिर मैं ये लेके आई, ये भी सुंदर लग रही। और ये वाली है इसकी, ये दो पगड़ी लेके आई मैं। और पहली बार मुझे अपने कान्हा जी के लिए ये वाली पगड़ियां मिली, नहीं तो मिली ही नहीं। मैं उन्हें हर बार कह करू थी, लड़का करू थी, मैं कहा भैया मुझे मैं बड़ी बड़ी वाली पगड़ी नहीं मिलती। सुंदर लग रहा है ये वाली, ये होगी कान्हा जी की, और ये है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। तो ये इसके साथ की यहाँ पे, और इसका कलर मुझे मिला नहीं, तो मैं ये ब्लू ले आई, ये मैं इसलिए मिलाई, तो कहती ना मल्टी कलर वाली, तो मैं कलर। अच्छा ये बाकी अब जब मैं लेके आई उनके लिए, मुझे अचानक से दिख गई गाय माता और बछड़ा। वैसे भी घर में अच्छा माना जा गाय माता को, बछड़े को, दूध पीते हुए को, तो मैं ये लेके आई। इनके पास रख दें तो इनके साथ रखना बहुत अच्छा होता है। और इसकी ये देखो, ये लाई में चंदन का सेंट है ये कान्हा जी का, तो ये है चंदन का परफ्यूम कान्हा जी का, और इसकी खुशबू देखा इतनी, मतलब एक बार कितनी बेहद, इतनी मेहनत, मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक एक की जगह फिर मैं दो लेकर आई हूँ, इतनी बेहतरीन इनकी चंदन की खुशबू रख लिए। ये है गोपी चंदन, जिससे कि कान्हा जी का तिलक होता है, वो लेके आई हूँ मैं गोपी चंदन। ये कान्हा जी की नाइट ड्रेस, क्योंकि इतने हैवी पहनने के बाद, ये है कुर्ता और ये है धोती कान्हा जी की, और ये है लड्डू गोपाल की, ये छोटी सी बिल्कुल कैप भी है इसमें, कभी रात को सिर को मच्छर मुच्छर काट लेंगे। ये हैं कान्हा जी के बाल, कान्हा जी जो बड़े वाले हैं उनको हम कान्हा जी कहते हैं, जो छोटे से हैं वे लड्डू गोपाल है। और ये वाली माला, और ये तीनों एक जैसी हैं, ये मुझे बड़ी पसंद आई। ये वाली मालाओं का ना लुक ही बहुत अलग आता है ये। और दो लाई, ये छोटी उनकी लड्डू गोपाल जी की, मान लो चाहे उनकी दोनों के, मतलब थोड़ा बड़ा छोटा कर दो तो दोनों का ही आ जाइए। इसके अलावा जी ये है छोटा मोटा सा, ये इयररिंग है दोनों जी की उनकी। ओ भाई रुक जा, ये उनकी इयररिंग है ये बड़े वालों की, ये मुरली है उनकी दोनों की, और ये चूड़ियां हैं उनकी। हाँ, और ये दूसरी है, और ये उनका खिलौना लाई में एक तारा, खेलो जाके बैठे। हाँ तो जी अपनी तरफ से कुछ और भी है क्या इसमें, ये तो इन। तो जी अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश करूँ, मन तो ऐसा करे कि और ले लूँ और ले लूँ और ले लूँ, लेकिन कई बार फिर अपनी पॉकेट को भी ध्यान में रखना पड़े। फेन ज्यादा लेके मैं एक्स्ट्रा भी तो कुछ नया अब त्योहारों पे सारों पे फिर नहीं नहीं पहने, लेकिन अब आगे मैं अभी लेने की नहीं हूँ, दिवाली पर लूंगी अब जाकर, दिवाली भैया दोज पे, तो अभी नहीं लेने की। तो आगे जितने भी त्योहार होंगे इन्हीं में ही काम चलाएंगे। अरे तो यहाँ पे जाना, जब वृंदावन, वृंदावन आप कह रहे लेके नहीं जाना, लेके जाना, नहीं उनको नहीं लेके जाना, वो कुछ ना कुछ तो लेके आए, लेके आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और भगवान अगर करते अपनी अपना अपनी सवारी होती तो फिर तो कान्हा जी को जरूर लेके जाते, लेकिन ट्रेन में कहाँ खुद धक्के खाए, कहाँ उनको खिलाए। तो जी अभी तो सोचा हुआ है, पता नहीं अभी उनका आदेश आया नहीं आया, हमारा मन है अभी जाने का, और भगवान की कृपा रही, प्रभु इच्छा रही तो जल्दी आपको भी वृंदावन के दर्शन करवाएंगे हम अपने साथ मथुरा वृंदावन। मैं अभी दिखा दूँ, मैं अभी तो हमको खिलाई थी, दिखाओ दिखाओ लाओ जल्दी हमें भी। बहुत सुंदर लगे हैं ये वाली ड्रेस, अभी दोनों की है, एक एक ड्रेस लेके आई, अभी ड्रेस ही लाई बस, अभी तो मैं कुछ और सामान लेने गई थी तो मैं ले आई, कोई रक्षाबंधन पे भी दी आसू में भी रखी, जो कि तूने कम नहीं दिया मैंने अभी तक, एक बड़े वालों की है और एक ही है थोड़ा गोपाल जी की।
ये तो सेम ही है, मैं क्या नहीं रही हूँ ऐसी सेम है। देख हाँ, इसका डिजाइन थोड़ा सा डिजाइन चेंज है। हाँ थोड़ा सा चेंज है। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा, मैं तो 0 ही नंबर लेकर आई बिल्कुल उनका, क्योंकि इनकी कैप वगैरह बाद में लाऊंगी जब भी जाऊंगी। अभी तो गई 0 बाजार और ये दोनों। अच्छा ये मैंने इन दूसरा ही मंगाई होगा इसके साथ की ले आना मल्टी कलर की। छोटे खाना जी के जो लड्डू गोपाल जी उनका सामान मिलना इतना मुश्किल है बहुत ही। ओ भाई तेरे नहीं आई है ये तो, यही दबा दिया वो मुंह में भी, ये तो गधा बहुत खराब होगा। तो जी ये है हमारी छोटी सी तैयारी और जन्माष्टमी में अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ हमें कि कब की है, 18 की या 19 की। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि कब की है, पता नहीं हमें तो कब अभी की अभी है। तो बताओगे कब की होगी। आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो ताकि कल का मुझे भी पता लग जाए कैसे है। कुछ 18 की बोल रहे, कुछ 19 की बोल रहे, लेकिन जब प्रभु की इच्छा होगी तभी काम होगा। तो जी ये हमारी जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू होगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कर ले, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। उनका बेड सजाना, झूला सजाना, उनकी मटकियां सजानी, अभी बहुत काम है। तो वो कल को देखेंगे जब भी टाइम मिलेगा। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ड्रेसेज कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आप लोग प्राइस के बारे में पूछते हैं कि आप प्राइस नहीं बताते इनका, वो इसलिए कि जी सब सारा सामान टोटल होता है तो हमें टोटल भी पता लगता है कि कितने का, अलग अलग का हमें पता नहीं लगता ना हम पूछते, तो इस वजह से हमें पता नहीं लगता, इसी वजह से आपको नहीं बताया जाता। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, बहुत ध्यान रखिए और पासे बिहारी आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। बाय बाय, राधे राधे कृष्णा, इतना तो बना दे राधे राधे।